हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे शहर के बारे में है कि जिसके हकायक जानकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ये शहर जिस सरजमीन पर मौजूद है वो बहुत ही मुकद्दस मानी जाती है, और इस सरजमीन पर कोई जुर्म या ऐसा काम जो मजहब की सरासर तोहीन में शामिल हो वो सख्ती से मना है। मगर हाल ही में इस शहर ने दुनिया को हिला कर रख दिया, क्योंकि यहाँ पर अब वो हर काम करने की इजाजत मिल चुकी है जो अजल से यहाँ पर सख्ती से मना थे। धड़ाधड़ शराब और जुए खानों के साथ साथ फहाशी भी तेजी से फैल रही है। तो आखिर ये शहर कौन सा है, और इस शहर के मजीद दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हकाइक को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सऊदी अरेबिया में बसा ये हैरतअंगेज शहर जिसका नाम अल रियाद सिटी है, जो कि सऊदीया का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी भी है। अल रियाद शहर को मिडल ईस्ट का मनी कैपिटल भी कहा जाता है। इस शहर का कुल रकबा 1982 मुरब्बा किलोमीटर है, और ये सऊदीया का सबसे बड़ा शहर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 39वां बड़ा शहर है। इस शहर में तकरीबन 70 लाख से ज्यादा अफराद बसते हैं। इस शहर में 40% लोग दूसरे ममालिक से आकर बसे हुए हैं, जो कि यहाँ काम काज की खातिर आए हुए हैं। अल रियाद शहर ने इतनी तेजी से तरक्की की है कि आज इसका शुमार दुनिया के जदीद तरीन शहरों में किया जाता है। 17वीं सदी तक ये एक छोटा सा गांव हुआ करता था, दूर दूर तक रेगिस्तान ही था, मगर आज के टाइम यहाँ पर बुलंदो बाला बिल्डिंग्स, शानदार मार्केट्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं, जो देखने वालों को हैरत में डाल देंगे। इस शहर में दुनिया के खरबपति लोग बसते हैं, जिनके महलात, घर, गाड़ियाँ, लग्जरी लाइफस्टाइल आपको घुमा कर रख देगा। इस शहर में ज्यादातर नौजवान लोग हैं, और यहाँ दुनिया की हर चीज मौजूद है। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ये शहर दिन रात तरक्की की मनाजिल तय करता जा रहा है। इस शहर में दीगर ममालिक से भी लोग यहाँ आकर बसे हुए हैं, जो यहाँ पर दीगर शोबों में काम काज करते हैं। अल रियाद शहर में किंग फहद रोड पर मौजूद ये बिल्डिंग सऊदीया की 5वीं सबसे बड़ी बिल्डिंग है, और यहाँ पर बड़े बड़े बैंक्स, दीगर सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेस भी मौजूद हैं, और किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसी शहर में मौजूद है। अल रियाद शहर में मुकम्मल तौर पर इस्लामिक कानून यानी शरिया लॉ नाफिज है। यहाँ पर दीगर ममालिक की तरह नाइट क्लब्स, बार्स और कैफेज या किसी भी फहाशी की इजाजत नहीं थी, मगर हाल ही में यहाँ पर इन सब चीजों की इजाजत मिल चुकी है। सऊदीया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पूरे मुल्क में कानून रद्दोबदल कर दिया है, और इसी के चलते अब यहाँ पर हर वो काम हो रहा है जिस पर बरसों से पाबंदी थी। यहाँ की खवातीन को भी काफी हद तक आजादी मिल चुकी है। रियाद शहर में बड़े बड़े कैसीनोज बनाए गए हैं, और इसके साथ साथ नाइट क्लब्स, कैफेज और दीगर ममालिक की तरह त्योहार भी मनाए जा रहे हैं। इसके अलावा इस शहर में जिस्म फरोशी भी ढकी छुपी शुरू हो चुकी है। दुनिया भर से टूरिस्ट इस शहर में विजिट करने के लिए आने लगे हैं, क्योंकि सऊदी हुकूमत तेजी से टूरिज्म को बढ़ाने में लगी है, जो कि देखने से भी पता चलता है कि सऊदी हुकूमत आए दिन नित नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। तो दोस्तों, सऊदी हुकूमत के इन कारनामों के बारे में आपकी क्या राय है, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।